कोरोना वायरस की जांच के दौरान निजी पैथोलॉजी की लापरवाही का मामला सामने आया है। बेतिहाता स्थित पैथवार्ड डायग्नोस्टिक में कोरोना के 10,105 सैंपल लंबित होने पर रियल टाइम पामरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर जांच का लाइसेंस निरस्त करते हुए पैथवार्ड डायग्नोस्टिक को सील कर दिया गया है। इस मामले में सीएमओ ने जांच बैठा दी है। शासन स्तर में हुई जांच में गुरुवार को पता चला कि पूरे प्रदेश में लगभग 26,500 सैंपल लंबित हैं। उसमें 10,000 से अधिक अकेले गोरखपुर के पैथवार डायग्नोस्टिक में हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पैथोलॉजी में पहुंचकर जांच की। मामला सही पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर जांच बैठा दी गई है। शासन स्तर पर हो रही निगरानी में पैथवार्ड की लापरवाही पकड़ी गई है। बीते 16 अप्रैल से जांच रिपोर्ट लंबित थी। मामला पकड़े जाने पर पैथोलॉजी ने पॉजिटिव मामले पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में उसने लगभग 2,000 मामले अपलोड कर दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। पैथवार डायग्नोस्टिक के लाइसेंस निलंबित कर जांच का आदेश दिया गया। डायग्नोस्टिक की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना जांच की अनुमति जिन्हें दी गई है उन सभी पैथोलॉजिस्टों के साथ बैठक कर एंटीजन जांच तुरंत व आरटीपीसीआर जांच 48 घंटे के अंदर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। मुझे ज्ञात हुआ कि परसों की घटना है कि उन्होंने हमारे पोर्टल पर काफ़ी मात्रा में एक ही दिन में लोड कर दिया। तो जहां हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही थी, हम 200 के नीचे आ रहे थे, एकाएक हमको ज़्यादा प्रलक्षित होने लगा। तो हमको उनको बुलाए, हमने कैसा हुआ, तो उन्होंने हमको दिया स्पष्टीकरण की, तो पता चला कि 2 महीने पहले के जो जाँच हुई है उनका डाल दिया। तो जिनकी काफ़ी लोगों को हमने फ़ोन से बात किया तो सब लोग, कुछ लोग पॉजिटिव थे, एकदम ठीक ठाक हो गए, क्योंकि ये घोर लापरवाही थी। इस वजह से हमने उनको उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और हमने जांच कमेटी बना रखी है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट अगर सत्य देती है तो उनका परमानेंटली उनका लाइसेंस खत्म कर दिया।